हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी इंडिया की टॉप आईआईटी जैसे आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर जैसे टॉप कॉलेजेस से बीटेक करना चाहते हो? तो ये वीडियो मैं आप ही के लिए बना रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये प्रॉब्लम जेई एडवांस लेवल की प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पर तीन ब्लॉक दे रखे, अपन को तीनों का मास क्वेश्चन में गिवन है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एनी टू सरफेस इज 0.25। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी अपन को क्वेश्चन में गिवन है, 0.25 दे रखा है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस एंड स्ट्रिंग इज मासलेस। ब्लॉक ए इज कनेक्टेड टू अ वॉल बाय ये मासलेस रिजिड रोड। ये जो ब्लॉक ए है इसको कनेक्ट कर रखा है, ये जो रोड है ना रिजिड रोड है लेकिन मासलेस है, इसको ब्लॉक ए से कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पर अपन को बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल करेक्ट आंसर है। जब भी अपन एलएलएम की क्वेश्चन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं जिससे कि अपन क्या इक्वेशन उसकी प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पर मैं ब्लॉक ए बी सी तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने देखो ब्लॉक ए बी सी तीनों का एफबीडी बनाया इस तरह से। अब देखो इस कंडीशन को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है सी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। जैसे मैंने सी ब्लॉक को खींचा तो सिंपली सी ब्लॉक इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, राइट है। जैसे सी इस डायरेक्शन में आएगा, बी वाला इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट डायरेक्शन में। जैसे ये राइट डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि ए और बी के बीच फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन ए को भी इस साइड लेके जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये ए वाला रिजिड रोड से कनेक्ट है तो ए वाला इस साइड नहीं जा पाएगा। और अपन यहाँ पर चेक करें तो हुआ क्या एक्चुअली में, देखो यहाँ पर सी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो सी ब्लॉक पर जैसे ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, सी ब्लॉक इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा। जैसे इस डायरेक्शन में आने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन इसको रोकेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन जाने नहीं देगा, रेस्पेक्ट मोशन नहीं होने देता है। तो फ्रिक्शन इसके जस्ट इस बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते ये फ्रिक्शन लग रहा है FR1। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो सिंपल सी बात है, ब्लॉक बी और ब्लॉक सी इन दोनों के बीच भी फ्रिक्शन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच जो फ्रिक्शन है वो भी यहाँ पर क्या होगा, लगेगा सी ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि सी ब्लॉक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन ऑपोजिट लगेगा, तभी इसको रोक पाएगा। तो यहाँ पर फ्रिक्शन मान लेते FR2 लग रहा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है। तो यहाँ पर जैसे इस डायरेक्शन में इसको खींचेंगे तो स्ट्रिंग इस पर टेंशन क्रिएट करेगी। मान लेते स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो टेंशन पॉइंट से अवे होता है, तो यहाँ पर मैंने टेंशन B डिनोट कर दिया। तो आई थिंक आपको इसका प्रीव्यू डायग्राम समझ में आ गया होगा सी ब्लॉक का। अपन बात करते हैं बी ब्लॉक की। बी ब्लॉक को ध्यान से देखें तो बी ब्लॉक भी स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो यहाँ पर देखो पॉइंट से अवे टेंशन T मैंने बना लिया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, बी और सी के बीच जो फ्रिक्शन लगा था ना, यहाँ पर सी ब्लॉक पर फ्रिक्शन राइट डायरेक्शन में लगा है, तो बी ब्लॉक पर सेम फ्रिक्शन लगेगा FR2 जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में लगेगा। एक्शन का रिएक्शन आता है न्यूटन का थर्ड लॉ, तो सिंपल सी बात है इस डायरेक्शन में लगाएगा FR2। और अपन बात करें ए और बी ब्लॉक के बीच जो फ्रिक्शन लगेगा वो बी पर किस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि देखो बी वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग से कनेक्ट है, स्ट्रिंग है तो इस पर फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में, एक ही तो फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के कारण, क्योंकि बी वाले ब्लॉक को मोशन कौन करवाना चाहता है, ये वाली टेंशन, ये जो स्ट्रिंग में टेंशन है ना यही तो इसको खींच रहा है इस डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन इसके जस्ट बैकवर्ड में लगेगा, क्योंकि ये वाला टेंशन इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो फ्रिक्शन बोलेगा आप कहां जा रहे हो, फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो सिंपल सी बात है फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। मान लेते ये फ्रिक्शन क्या है FR3 है। अब यहाँ पर ए ब्लॉक की बात करें यहाँ पर, तो सिंपली क्या हुआ, ए और बी की जो फ्रिक्शन लगा था ना FR3, इस पर यदि लेफ्ट डायरेक्शन में लगा तो इस पर वापस क्या लगेगा, राइट डायरेक्शन में ऑपोजिट लगेगा, क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है। तो सिंपल सा इस डायरेक्शन में बना दूंगा FR3। अब ए ब्लॉक पर दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, अब ये नॉर्मल लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये रिजिड रोड है, ये देखो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा ना, तो ये वाला ब्लॉक इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रोड है ना, ये वाली रोड इससे कनेक्ट है, तो रोड क्या करेगी, जैसे ही इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करे रोड उस पर धक्का लगाएगी, क्योंकि रोड रिजिड है तो इसको इस डायरेक्शन में नहीं जाने देगी, तो रोड इस पर एक फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में जो कि नॉर्मल होगा कॉन्टेक्ट फोर्स। तो आई थिंक आपको ये फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गए होंगे। अब मैंने इसके FBD तो बना रही है, यहाँ पर जब भी थ्री ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, टू ब्लॉक सिस्टम प्रॉब्लम हो गया, उसको सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले अपन फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है FR3, यहाँ पर FR2 लग रहा है, यहाँ पर FR1, इन सबकी वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन फ्रिक्शन जब फाइंड करते हैं ना, तो इस चीज को ध्यान रखना, फ्रिक्शन सबसे पहले अपन मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है वो फाइंड करते हैं, उसके बाद अपन कंडीशन को देखते हैं कि कितना रिक्वायरमेंट है, और अपन यहाँ पर FR3 को कैलकुलेट करते हैं फ्रिक्शन। तो देखो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन होता है म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है और नॉर्मल की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट अपन को क्वेश्चन में गिवन है जो कि 0.25 है, तो यहाँ पर म्यू अपन को गिवन है क्वेश्चन में 0.25 हो गया अपना। अब नॉर्मल क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो वेट आएगा नीचे की ओर वही तो इस पर नॉर्मल लगाएगा अपवर्ड में, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा इसका वेट 3g है, तो नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा 3g, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है यहाँ पर 3g हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन के पास ये FR3 आ गया, राइट है, तो ये अपन के पास FR3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अपन के पास FR3 की वैल्यू आ गई 7.5 न्यूटन। ये वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ध्यान रखना म्यू इनटू एन जो फ्रिक्शन आता है ना ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, उसके बाद में क्या रिक्वायरमेंट के हिसाब से फ्रिक्शन यहाँ पर लगता है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है एडजस्टेबल है। ओपन यहाँ पर FR2 को फाइंड करेंगे, FR2 क्या होगा अपना सिंपली म्यू इनटू एन होगा, तो यहाँ पर म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्वेश्चन में पहले गिवन है अपन को 0.25 मल्टीप्लाई नॉर्मल, नॉर्मल क्या लग रहा है यहाँ पर, बी और सी ब्लॉक के बीच नॉर्मल क्या लग रहा है वही तो फाइंड करना है।
क्योंकि FR2 किसके बीच है, बी और सी ब्लॉक के बीच है, तो इन दोनों का, क्योंकि अब देखो अब बी के ऊपर एक ब्लॉक और है ए, तो इन दोनों का जो वेट होगा ना वो यहाँ पर बी और सी के बीच नॉर्मल लगाएगा। तो दोनों का यहाँ पर वेट क्या होगा, दोनों का मास क्या है यहाँ पर, तो दोनों का मास है 3 + 4 = 7 हो गया, टोटल मास 7 है, तो वेट नीचे की ओर होगा 7g। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्मल की वैल्यू 7g हो जाएगी। इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, अपन के पास FR2 की वैल्यू आ गई। ये भी फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि μ·n क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। और अपन बात करेंगे FR1 कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर भी अपन बात करें फ्रिक्शन μ तो अपन क्वेश्चन में गिवन है 0.25 है। अब यहाँ पर नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल सिंपली ये तीनों ब्लॉक सरफेस के ऊपर है, तीनों ब्लॉक का जो वेट आएगा नीचे की ओर वही तो यहाँ पर सरफेस पर नॉर्मल क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर तीनों ब्लॉक का मास क्या है, तो टोटल मास हो जाएगा 3 + 4 + 8 जो कि 15 kg, तो वेट आ जाएगा 15g, तो यहाँ पर हो जाएगा 15g। तो यहाँ पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं FR1 की वैल्यू क्या है। यहाँ पर अपन ने कैलकुलेट कर लिया, FR1 की वैल्यू आ गई अपन के पास 37.5 N। ये भी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि ब्लॉक सी और ग्राउंड के बीच लग रहा है। और अपन क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ये बोल रहा है द वैल्यू ऑफ F2 कैप्ट सी मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड इज 80 N। मतलब ये बोल रहा है ये जो F फर्स्ट लग रहा है ना, इसकी वैल्यू 80 N है इस सी ब्लॉक को कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए। तो अपन चेक कर लेते हैं, यहाँ पर सी ब्लॉक की बात हो रही है, ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जाना चाहिए, ऐसा कब पॉसिबल है, देखिए सी ब्लॉक की बात करें तो अपन सी ब्लॉक का एबिट देखेंगे। तो यहाँ पर ये सी ब्लॉक कॉन्स्टेंट स्पीड से कब जाएगा, इसने बोला स्पीड कॉन्स्टेंट है, स्पीड कॉन्स्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि इसकी स्पीड ही कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो होगा। जब इसका एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो नेट फोर्स इक्वल टू हो गया मास इसका क्या है 8 है, एक्सेलरेशन यहाँ पर जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स यहाँ पर जीरो हो गया, मतलब सी ब्लॉक पर नेट फोर्स जीरो होगा तभी ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा पाएगा। तो यहाँ पर सिंपली क्या कर रहा हूँ, इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो फोर्स है ना इस डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये फोर्स इन तीनों फोर्स के एडिशन के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये तीनों फोर्स राइट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तीनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए तीनों का एडिशन इस फोर्स के इक्वल हो गया तब ये ब्लॉक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करेगा। तो यहाँ पर मैंने ये फोर्स इन तीनों एडिशन के इक्वल कर दिया, ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखना, इसने बोला कि सी वाला कॉन्स्टेंट स्पीड से जाए तो ये श्योर है ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है बी वाला, तो बी वाला भी कॉन्स्टेंट स्पीड से ही जाएगा, इसका मतलब बी पर भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ टेंशन मेरा हो जाएगा FR2 प्लस का FR3, राइट है, इन दोनों का एडिशन के इक्वल हो गया टेंशन, तब इस पर नेट फोर्स जीरो होगा और ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जा पाएगा, राइट है। तो यहाँ पर टेंशन की वैल्यू आ जाएगी FR2 FR3 की वैल्यू पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई 25 N। तो यहाँ पर टेंशन रख दूं 25 N और FR1 FR2 की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ जिससे कि फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने कैलकुलेट किया मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई 80 N। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में यही बोल रहा था कि ये कॉन्स्टेंट स्पीड से जाने के लिए इसकी फोर्स की वैल्यू 80 N, जो कि अपनी क्या आ रही है 80 N ही आ रही है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है अपना। और अपन देखते हैं सेकंड ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एफ की वैल्यू अपन के पास 80 N आई है इस ब्लॉक को कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करवाने के लिए, लेकिन ये बोल रहा है 120 N जो कि गलत है, ये बोल रहा है फोर्स की वैल्यू 200 N है, तो एक्सेलरेशन बी ब्लॉक का क्या होगा 10 m/s² होगा, क्या ये करेक्ट है, चेक कर लेते हैं अपने यहाँ पर। ब्लॉक बी की बात करा तो बी ब्लॉक का FBD देखते हैं अपन, तो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो टेंशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि आप खुद यहाँ पर देख सकते हो ये देखो बी ब्लॉक ये श्योर है कि इस डायरेक्शन में जाएगा, यदि जाएगा तो सिंपल सी बात है यहाँ पर बी ब्लॉक पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर टेंशन माइनस कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास FR2 माइनस का FR3, नेट फोर्स हो गया एक्सेलरेशन में इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर AB ये करेक्ट है, तो नेट फोर्स कुछ मास क्या है इसका, मास हो गया 4 एक्सेलरेशन यहाँ पर AB। तो यहाँ पर अपन के पास इक्वेशन आ गई, अब क्या करें अपने यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें, टेंशन तो अपन को पता ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन को एक चीज पता है कि यहाँ पर बी ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा वही सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि आपस में दोनों स्ट्रिंग से कनेक्ट है, तो सी ब्लॉक का मैंने देखो यहाँ पर इक्वेशन लिख दी, सी ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, तो एफ माइनस का ये मैंने इक्वेशन लिख दी, क्योंकि ये बैकवर्ड एक्शन में लग रहे, एक्सेलरेशन मैंने AC इसका एज्यूम कर लिया, तो नेट फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन कर दिया मैंने यहाँ पर। अब इन दोनों को अपन क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि टेंशन मेरे पास नहीं है, तो टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से मैंने वैल्यू पुट कर दी, जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10 m/s². अब अपन ऑप्शन चेक करते हैं, अपना एक्सेलरेशन 10 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन बोल रहा है इसको मेरे को यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन यदि स्लाइड करवाना है तो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू एटलीस्ट 50 N होनी चाहिए, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर इस पर नेट फोर्स अपन ने, मैंने इस पर नेट फोर्स जीरो किया, देखो यहाँ पर एफ इक्वल टू ये सारे एडिशन इक्वल कर दिया तभी नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो किया तो यहाँ पर सिंपली अपन के पास क्या आया 80 N आ रहा है, इसका मतलब एटलीस्ट अपन के पास 80 N फोर्स होना चाहिए इसको रोकने के लिए। ऑप्शन बोल रहा है 50 N लेकिन 80 N होना चाहिए, तो ये अपना इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये प्रॉब्लम जरूर समझ में आई होगी।